नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन व्यक्तियों के मुंह में 28 दांत होते हैं, ऐसे लोग कैसे होते हैं, कैसा होता है स्वभाव, इनका जीवन, इनका व्यक्तित्व, चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कहा जाता है जिन व्यक्तियों के मुँह में 28 दांत होते हैं, ये भाग्य के मारे होते हैं, यानी ये भाग्यहीन होते हैं। ये बहुत कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, या किसी भी क्षेत्र में या कुछ भी कर लीजिए, हर जगह इनको निराशा ही मिलती है, इनका लक इनका साथ नहीं देता। तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार 28 दांत वाले लोग लकी नहीं माने जाते, इन्हें जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये कोशिश तो बहुत करते हैं कि ये अपने भाग्य से लड़ सकें या चीज़ों को सही कर सकें, लेकिन इनको एक के बाद एक निराशा मिलती ही चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी जानकारी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।